माँ देखो ना, मेरे चेहरे का रंग कैसा उठ गया है और अमित को पार्टी में भी जाना है। ऐसा चेहरा लेकर मैं पार्टी में जाना नहीं चाहती, रूही ने दुखी दिल से अपनी सास को कहा। रुको, मैं तेरे लिए चेहरे का लेप बना कर देती हूँ, उसे लगा लेना, फिर तो मेरी बिटिया रानी को पार्लर जैसा निखार घर पर ही मिल जाएगा। तुम कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहे आंख बंद करके। और मैंने तुम्हें कहा था पार्लर जाकर आना, फिर भी अपने शरीर को लेकर लापरवाही करती है। माला देवी ने अपनी बहू को प्यार से कहा, सॉरी माँ, पर ऑफिस में इतना काम था कि नहीं जा पाई, फिर आज छुट्टी भी देर से हुई थी और आप घर में अकेली थी तो मैं बिना पार्लर जाए ही आ गई। रूही ने अपनी सास को गले लगाकर कहा, चल कोई बात नहीं, अब बातें मत बना और ये लेप लगाकर 15 मिनट तक बैठी रहो, बाद में हम सब साथ में खाना खा लेंगे। और सुनो, सोने से पहले गुलाब जल लगा लेना, फिर तेरा निखार देखकर अमित भी खुश हो जाएगा। थैंक यू माँ, मेरी प्यारी माँ, आई लव यू। और रूही माला देवी को लिपट गई। तब ही अमित ऑफिस से आया, ये दृश्य देखकर वो मन में खुश हो गया, पर दोनों को चिढ़ाते हुए बोला, माँ को जब से रूही मिली है अपने बेटे को तो भूल ही गई है, कभी मुझे भी लेप लगाया करो और प्यार दिया करो, आपने कभी भी मेरे बालों में तेल भी नहीं डाल दिया और रूही को लेप लगाया जा रहा है। हाय री बेरहम दुनिया, पता नहीं इस चीज का क्या होगा। सास बहू दोनों मिलकर बोले, जो होगा मंजूरे खुदा होगा बालक। अमित, रूही और माला देवी तीनों हंसने लगे। तब ही अमित के पापा आए। जी, सब लोग मुझे छोड़कर क्यों हंस रहे हो, मुझे भी बात बोलो तो मैं भी हंसू। अमित के पापा मजाक करते हुए बोले। बाद में सभी लोगों ने खाना खाया और रूही ने सब काम निपटाया और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। माला देवी और रूही को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों सास बहू है, ऐसा लग रहा था कि मानो माँ बेटी है। इतना प्रेम केवल माँ एक बेटी को ही कर सकती है, ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी नहीं थी, उनकी भी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके दो लड़के भी थे। दूसरे दिन सुबह रूही ने माला देवी से कहा, माँ मेरा चेहरा पहले से अच्छा हो रहा है, मैं अभी पार्लर नहीं जाऊंगी, यहीं लेप लगाकर खुद को गोरा बनाऊंगी। माला जी ने कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। सब लोग ऑफिस चले गए। तभी माला जी की बहन का फोन आया और कहा, जीजी मैं आपके घर पे आ रही हूँ, 2 दिन के लिए रुकूंगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। माला जी ने कहा, नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्यों तकलीफ होगी बोला, जल्दी से आ जाओ, आते आते रूही को फोन कर देना, वो तुम्हें लेकर ऑफिस से घर आएगी। जीजी ने कहा, क्या वो रात को 8 बजे ऑफिस से घर आती है, तो रात की रसोई कौन बनाता है। माला जी ने कहा, मैं बनाती हूँ। जीजी ने कहा, तुमने उसे कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है, आगे जाकर सर पर नाचेगी। माला जी ने कहा, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी घर आ जाओ, बाद में बात करूंगी। जीजी ने कहा, ठीक है, पर मुझे रूही का वर्तन समझ में नहीं आ रहा है, मैं आकर बात करूंगी। माला जी ने तुरंत रूही को कॉल किया और कहा, तेरी मौसी जी घर आ रही है तो बस स्टैंड से उसे लेकर घर आना। रूही ने कहा, माँ तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, मौसी जी पहली बार घर पर आ रही है, मैं चली जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा, वो क्या सोचेंगे। माला देवी ने कहा, नहीं यहाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम पार्टी में जाओ और एंजॉय करो। रूही ने कितना कहा पर माला देवी ने एक बात नहीं सुनी। शाम को रूही मौसी जी को लेने चली गई। मिलते ही उसे पैर छुए सारा सामान कार में रखा और घर तरफ अपनी कार में चल दी। मौसी जी ने कहा, क्या तुम इतनी देर से घर जाती हो। रूही ने कहा, नहीं मैं जल्दी ही घर पहुंच जाती हूँ, आज ट्रैफिक है सो देर हो गई, माँ भी मेरी चिंता कर रही होगी और फोन भी नहीं लग रहा है। रूही ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और दोनों घर पहुंच गए। मौसी जी और माला देवी दोनों गले मिले और रूही ने सबके लिए शरबत बनाया। मौसी जी ने कहा, चलो मैं सोने जा रही हूँ। माला देवी ने कहा, कुछ चाहिए हो तो बता देना और रूही अमित आता ही होगा, अब तुम तैयार हो जाओ। मौसी जी कमरे में चली गई। सोचा कि रूही पार्टी में जाएगी तब माला देवी से बात करेगी। माँ के आग्रह से वो पार्टी में तो गई पर उसे घर की चिंता हो रही थी, बार बार माला देवी को फोन करके पूछ लेती।
खाने का समय हो गया था। माला देवी ने टेबल सजाया, तभी बहन आई और कहा, बहू के होते तुम खाना लगा रही हो, इतना भी सर पर मत चढ़ाओ उसे। बहन शुरू हो गई, दीदी वो पार्टी में गई है, वो तो नहीं जाना चाहती थी पर मैंने ही उसे भेज दिया। मेरी बहू तो ऐसा कभी नहीं करती, ये आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं अपनी जिम्मेदारी नहीं जानती। बहन को ये व्यवहार हजम नहीं हुआ। माला ने कहा, रूही तो मेरी बेटी है, बहू नहीं। पर बहन तो अपनी बात पर अड़ी रही। माला ने कहा, तुमने देखा नहीं, रूही सिर्फ 2-4 घंटे के लिए बाहर गई थी तो भी उसने 2 बार फोन करके आपके बारे में पूछा, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और देखिए तुम्हारे आए पूरा 7 घंटा हो गया, फिर भी तुम्हारे बेटे या बहू का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप ठीक ठाक पहुंचे या नहीं। माला जी ने मौसी जी को कहा। मौसी जी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो निशब्द थी। माला देवी ने कहा, अगर हमें सम्मान और प्यार चाहिए तो उनको भी सम्मान और प्यार देना चाहिए। अगर हम उन्हें बहू मानेंगे तो वो हमें माँ कभी नहीं मानेंगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। माला देवी ने सच कहा। ताली को दोनों हाथों से बजाना पड़ता है, तब ही सुंदर आवाज आएगी। जहाँ प्यार होता है वहाँ जिम्मेदारी भी होती है। माला देवी रूही को सपोर्ट कर रही थी और रूही माला देवी को जीजान से प्यार देती थी। जिम्मेदारी एक एहसास है जिसे निभाया जाता है, थोपा नहीं जाता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।